नमस्ते मैम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले SD एडवेंचर का रिव्यू, तो देखते हैं कि बाइक कैसा है, क्या है, सब कुछ डिटेल वीडियो है। तो क्या फीचर्स नए हैं इसमें? तो ये डायरेक्ट कॉम्पीट करने वाला है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा बाइक बेटर है, इसका प्राइसिंग क्या है, क्या फीचर्स है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है SD एडवेंचर। आप देख सकते हो कि क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। तो सबसे शुरुआत करेंगे अपने फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक भी काफ़ी माचो और काफ़ी मस्कुलर लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर एक विंडशील्ड देखने को मिलेगा। तो विंडशील्ड बहुत ही बड़ा है और जो विंडशील्ड है उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो चार स्टड पे ये पूरा विंडशील्ड टिका हुआ है। और इस तरफ नीचे चलते हुए तो यहाँ पे आपको फ्रंट हेडलैम्प, तो फ्रंट हेडलैम्प है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको LED फ्रंट हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो जो नाइट राइड होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी और जो विजिबिलिटी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आगे एसेसरी एक्स्ट्रा में लगाया हुआ है तो वो दिख नहीं रहा है। तो वो मैं आपको एक और बाइक है उसमें मैं दिखा दूँगा। और साथ में टर्न इंडिकेशन, तो टर्न इंडिकेशन मुझे थोड़ा छोटे लग रहे हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेशन ऊपर की तरफ आपको मिलने वाले हैं दोनों के दोनों तरफ। तो और यहाँ पे चलते हुए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट सस्पेंशन, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको आगे के टायर्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगे आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा। तो जो डिस्क है उसका डायामीटर भी काफ़ी बड़ा है, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे ABS का ऑप्शन, तो ये बाइक आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ मिलने वाली है। तो ये ABS है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विचेबल भी कर सकते हो, उसी तरह का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। और टायर्स वगैरह आप स्पोक व्हील मिलेंगे, क्योंकि ये एडवेंचर बाइक है तो इसमें आपको स्पोक व्हील ही मिलने वाले हैं। तो अगर मैं टायर्स वगैरह की बात करूँ तो आगे का टायर आपको 21 इंच का मिलने वाला है। तो इस तरफ चलते हुए तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सा रेडिएटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चलते हुए तो इंजन, तो इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 334 मतलब 334 सीसी का आपको इसमें इंजन देखने को मिलने वाला है। तो सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है, लिक्विड कूल इंजन बोलते हैं इसको, क्योंकि आपको यहाँ पर आगे एक बड़ा सा रेडिएटर भी देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है। और एग्जॉस्ट का सिस्टम इस तरफ से निकलता हुआ है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम कैटालिक कन्वर्टर के साथ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन सेंसर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो इंजन का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो ब्लैक कलर का इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं इंजन के पावर आउटपुट की बात करूँ तो आपको मैक्सिमम पावर आपको इसमें 30.20 PS का मिलने वाला है और मैक्सिमम टॉर्क आपको 29.90 का मिलने वाला है, मतलब कि ऑलमोस्ट 30 ही बोल सकते हो आप। तो पावर आउटपुट फिगर काफ़ी अच्छी है, जो इंजन है उसका उस हिसाब से इसका पावर आउटपुट फिगर काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे चलते हुए तो आप देखिए कि आगे का फुटपैक, तो फुटपैक में आपको रबर का ग्रिपिंग भी देखने को मिलेगा, तो कुछ अलग ही डिज़ाइन का ग्रिपिंग है। और यहाँ पे आपको ग्रिप नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब देखिए कि ये जो नुकीली धार दे रखी है इससे आपको जो स्लिप होता है पाँव, वो स्लिप नहीं होने वाला है। बाकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको बैटरी कंपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पे एडवेंचर लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे पीछे का फुटपैक और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है उसका डिज़ाइन कुछ अलग ही है और काफ़ी अप भी है। तो जो पानी वगैरह वाली जगहों पे आप अगर ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उतना हाइट पर है ये एग्जॉस्ट सिस्टम, आप देखिए। यहाँ मैं दूर से आपको दिखाता हूँ एक बार, तो देखिए कितना अप है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं पीछे के टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो 17 इंच के आपको इसमें टायर मिलने वाला है जो 130 mm वाइड है। तो वाइड ज़्यादा है तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, रोड पे ग्रिप वगैरह अच्छा मिलने वाला है। और C8 कंपनी के आपको इसमें टायर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखिए पीछे का डिस्क, और यहाँ पर पीछे भी आपको ABS मिलने वाला है, मतलब ड्यूल चैनल ABS है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक प्रोटेक्शन जैसा भी दे दिया है, जो अगर आप मड वगैरह वाली जगह पे जाते हो जहाँ ऑफ रोडिंग करने के लिए, तो आपको सीधा यहाँ से मिट्टी वगैरह अंदर नहीं जाएगा। तो ये प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा कंपनी ने पहले से ही दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा बैक लुक है। तो यहाँ पर भी आपको LED देखने को मिलने वाली है, लेकिन ये जो टेल लैम्प है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों तरफ आपको साइड लाइट इंडिकेशन यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिलने वाले है। तो जो स्टॉप लैम्प है वो थोड़ा छोटा है, बाकी ऑलमोस्ट बढ़िया है सब कुछ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप टॉप बॉक्स भी लगा सकते हो। तो SD की तरफ से ही आपको सब कुछ एसेसरी भी अवेलेबल हो जाएगी, साइड पैनियर और टॉप बॉक्स भी।
तो पेनियस वगैरह आपने हिमालयन में देखे होंगे, उसी तरह का आपको पूरा ऑपरेशन मिलने वाला है, लेकिन ESD की तरफ से ही है। और आपको मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देता हूँ, तो एल्यूमिनियम का प्योर आपको मिलने वाला है, फुल्ली वाटरप्रूफ है ये सब कुछ। तो सीट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग इसका काफ़ी अच्छा है सर, यहाँ से लग रहा है। और काउस स्प्लिट सीट आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, और यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, जो ग्राफिक्स यहाँ पे है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो कलर्स वगैरह का क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा में रहेगा, ये वाला एक्सेसरी है जो पूरा लगाया हुआ है वो भी, और ये भी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और यहाँ से ऑन करते हुए तो फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। यहाँ पर आपको नेविगेशन दिखाएगा और बहुत सारी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से दिख जाएगी, इंजन चेक लाइट, ओवर हीटिंग, साइड लाइट एंड इंडिकेशन, हाई बीम लो बीम करने के लिए न्यूट्रल का, स्विचेबल ABS का, बैटरी का और फ्यूल का, तो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको स्पीड दिखाएगा, और यहीं से आप इसका मतलब पूरा ऑपरेशन है वो आप यहीं से कर सकते हो, यहीं से आप बारी बारी चेंज कर से यहीं से मोड वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और साइड स्टैंड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और अभी बाइक रोड मोड में है तो वो भी दिखा रहा है, साथ में टाइम दिखाएगा, डिजिटली फ्यूल इंडिकेट करेगा, गियर नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको RPM का पूरा दिखाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कुछ मतलब नया ही है, नया धमाल है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर जो ये वाला भी ब्लैक आप पार्ट देख रहे हो, उसमें भी आपको मल्टीपल नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपका कॉल आएगा तो भी आपको यहाँ पे नोटिफाई होगा, मैसेज आएगा तो भी, और आपको नेटवर्क कितना मिल रहा है वो भी दिखाएगा। और जो ये क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी मुझे बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हैंडल बार है वो भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में इस तरफ के अगर हैंडल बार की मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको साइड लाइट इंडिकेशन का हॉर्न का, अरे बाप रे, इसका हॉर्न बहुत ही लाउड है, काफ़ी अच्छा है हॉर्न। और यहाँ पर आपको पासिंग के लिए मिल जाएगा ऑप्शन। तो जो क्वालिटी है ग्रिप वगैरह का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जो लीवर्स है उसका भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो मिरर्स वगैरह है वो भी काफ़ी वाइड है, तो आपको पीछे देखने में भी ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इस तरफ के अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो आपको यहाँ पे एक ये वाला जो स्विच है इससे आप अपना हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ कर सकते हो, इंजन किल स्विच, और साथ में सेल्फ स्टार्ट का बटन मिलेगा। तो लीवर्स भी काफ़ी स्मूथ है, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा में ये नकल गार्ड लगाए हुए है वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि SD ने इस बार मार्केट में धमाल करने के लिए क्वालिटी में भी ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, काफ़ी बढ़िया बाइक यहाँ पे SD की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो हैंडल बार आपको ट्यूबलर हैंडल बार देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको चार्जिंग का फैसिलिटी भी मिल जाएगा, आप देखिए यहाँ पे। तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, जो कंपनी ने इनबिल्ट ही दे दिया है सब कुछ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इस तरफ इंजन आप देखिए, इस तरह का आपको पूरा इंजन सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हॉर्न मिलने वाला है, तो जो ये रेडिएटर है उसके लिए भी एक फ़ैन दिया हुआ है। और यहाँ पर चलते हुए तो यहाँ पर गियर शिफ्टिंग तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे पीछे का फुटपैक, और ये फिल्टर सेक्शन हमारा, यहाँ पर आपको एडवेंचर लिखा हुआ मिलेगा। और ये इसका साइड स्टैंड, तो ये बाइक में मेन स्टैंड नहीं आने वाला है, तो ये थोड़ा मिसिंग लग रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो अभी मैं आपको चालू करके इसका आवाज़ भी सुनाता हूँ कि किस तरह का इसका फायरिंग आ रहा है। तो चलिए अभी फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर न्यूट्रल कंडीशन में होगा बाइक तो भी आपको क्लच के बिना ये शुरू नहीं होने वाला है, तो इस तरह का फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। तो ये सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, अगर न्यूट्रल में भी होगा तो क्लच एक ज़रूर प्रेस करना पड़ेगा तो ही बाइक हमारा शुरू होगा।
तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ बाइक का टेस्ट राइड लेने के लिए, तो देखते हैं कि बाइक का परफॉर्मेंस कैसा मिलता है। तो मैं बाइक चलाते चलाते ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसका माइक का बहुत ही बड़ा इश्यू हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि अपने चलाएंगे और स्पीड और थ्रॉटल में आपको ज़रूर बताऊँगा कि कैसा लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा जो एज इट इज़ जो बाइक आने वाला है वो है। यहाँ पर आपको एसेसरी कोई नहीं मिलने वाली है, तो लेकिन ये जो पेनियर्स रैक जैसा है वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। और अब देखिए कि काफ़ी अच्छा, यहाँ पर आपको नकल गार्ड नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको बताने वाला था कि इसका जो आगे का फ्रंट हेडलैम्प है वो भी काफ़ी खूबसूरत है और पूरा मतलब कि LED में है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए फटाफट से अभी इसका टेस्ट राइड लेते हैं। गाड़ी का न्यू क्लच किया, स्विच ऑन और सेल्फ पुश करना, एक्सेलरेटर नहीं करना। हाँ ओके ओके। अरे बाप रे, क्या पावर है भाई साहब ये बाइक में, जबरदस्त पावरफुल बाइक है ये। बाइक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये, और इसका जो टॉर्क मिल रहा है ना भाई साहब वो तो और भी ज़्यादा गजब का टॉर्क है इसमें। तो ये ज़रूर हिमालयन को टक्कर देने वाला है। भले ही हिमालयन आपको 411 cc का मिल रहा हो लेकिन ये 334 का है ना, इसको ये बीट कर देगा ये। तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइक बनाया है। अभी ये देखते हैं कि कंपनी इसका सर्विस जो है वो कैसे प्रोवाइड करती है, उस पर मेन हमारा रहता है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो रॉयल एनफील्ड का सर्विस है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी तक सभी जगहों पे आपको अवेलेबल हो जाता है। RSA इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाइक में चलिए वो भी अच्छा ही है बाइक में, उसको मना नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी रॉयल एनफील्ड है, लेकिन इसका तो फील बाप रे बाप कुछ अलग ही है भाई। देखा आपने बाइक काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो ये ऑन रोड हमको 245,000 से चालू होकर 255,000 तक का आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं ये ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर रहा हूं यहां अहमदाबाद गुजरात से। तो अगर आपको SD की और जावा की कोई भी बाइक लेनी है तो यहाँ पे कैप्टन मोटो आ सकते हो मणिनगर अहमदाबाद में, और साथ में आपको सर्विस स्टेशन और भी फाइनेंस स्कीम भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो वन स्टेप सॉल्यूशन हो जाएगा, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए अगर आपको बाइक परचेस करना है तो कैप्टन मोटो।